स्वर्ग हम सवारे खुशियाँ जगमगाए और हम सब की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बूगी बूगी बू, वेलकम बैक टू सांसुई बूगी वूगी। यार रवि, हाँ यार, कुछ लोग मुझे मिले, अच्छा बोल रहे थे यार कि रवि कमाता है, बूगी वूगी बनाता है, उसमें काम करता है, पैसे कमाता है, हाँ। लेकिन कुछ समाज सेवा नहीं करता। अरे हाँ, तो मैंने उनको बोला ऐसे कहते यार आप बात कर रहे हो, बहुत समाज सेवा करता है वो। सही बात है कि नहीं? हाँ। अरे भाई पिछले 10-15 सालों से फिल्मों में नहीं काम कर रहा, इससे बड़ी समाज सेवा क्या होगी। लेकिन मैंने भी उनको मना कर दिया, मैंने बोला ऐसी बात नहीं है, अभी मैं रवि को बोलता हूँ कि अभी फिल्मों में काम करना शुरू कर। तूने बोला ऐसा? बोला उसको मैंने। अरे सो स्वीट यार। एक मेरा एक दोस्त है वो भोजपुरी फिल्म बनाता है। अच्छा? हाँ, सी ग्रेड की। सी ग्रेड? हाँ हाँ, मैंने बोला कि भाई रवि को रोल दो उसमें। अच्छा, हाँ तो फिल्म बना रहे तेरे ऊपर। क्या रोल है? रोल नहीं, टाइटल रोल है। टाइटल रोल है? हाँ। पिक्चर का नाम क्या है? हमरे मोची काका। उड़ा लो गरीबों का मजाक ये दुनिया की रीत है, उड़ा लो गरीबों का मजाक ये दुनिया की रीत है, ये इंसान नहीं है दोस्तों, ये तो घोड़े की लीत है। तू मेरा मजाक उड़ाते है यार। घोड़े की लीत फिर भी बड़ी होती है, बड़ी तो बकरी की मेंगनी है। छोड़ो यार अभी टेंशन है, एक तो आज लास्ट एपिसोड है अपने पार्टनर राउंड का एंड जिम्मेदारी बढ़ गई है, आई हैव टू फाइनली टेक ऑल दैट एंड जज उनमें सब में से छांट के हमको आगे सेमीफाइनल में बढ़ना है। और एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अब पीछे उन्होंने मुझे बोला है कि भाई क्या प्राइज होने वाला है, अब तक प्राइज हमने अनाउंस नहीं किया था। तो प्राइज जो है, एक तो है 5 लाख रुपए और उसके अलावा है एक कार। क्या बात, वो कार अच्छी खासी वाली कार है, छुटपुट वाली कार नहीं है, एयर कंडीशन होगी, ऑटोमेटिक टाइप्स कुछ। हाँ, एयर कंडीशन विद म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम एंड टायर भी होंगे, टायर भी होंगे उसके। और सबसे बड़ी बात, उसमें इंजन होगा। दो साल की थी तभी सर नु डांस करती थी और तब से आप बूगी बूगी देखते थे। हो गया, एक सांस में बोला था। कैसे हो माँ, जगाए तो नहीं? तुझे वहाँ ठीक से खाना मिलता है ना? वेलकम बैक टू सांसुई बूगी वूगी। दोस्तों, हमारी मम्मी चैंपियनशिप का धुआंधार पार्टनर राउंड जारी है और हमारी आज की पहली मम्मी है मुंबई से 38 साल की अनुपमा भरद्वाज और उनका साथ देंगी उनकी 11 साल की बेटी उन्नति। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी। आप डांसर रह चुकी हैं या? जी नहीं, बचपन से शौकिया डांस किया है, इनफैक्ट आज मैं 19 साल बाद स्टेज पर कर रही हूँ। क्या बात, बेटा है। पार्टनर राउंड में मेरी पार्टनर है मेरी बेटी उन्नति और हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, इतना ग्लैमरस लुक है हमारा। तो अब माँ बेटी साथ में है, माता रानी साथ में है, तो अच्छा ही होगा। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि माँ अपनी बेटी के साथ इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करे। डर की कोई बात नहीं, हम बस एंजॉय करने वाले। दूर की सोच है, दूर तक जाना है, हम सा नहीं है कोई, दुनिया को दिखाना है।
उमा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको अपने पार्टनर राउंड के लिए आपको सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बेटी पर ही क्यों, आपने बेटी को ही क्यों लिया? माँ के लिए बेटी से अच्छी साथी हो ही नहीं सकती। और आप ही थे ना वो जिस दिन जब हुआ था तो मैं यहाँ इसके वजह से हूँ। हाँ। तो आप आना चाहते थे और हमने बोला कि अगर ऐसा राउंड होगा तो आपने भी निभाया। डांस विद योर फेवरेट पार्टनर, शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस टुडे। यस ऑफ कोर्स। और बिना चश्मे कैसे डांस किया आपने? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करी थी मतलब अगर आप भाग के जंप मारते और आपको दिखता नहीं आप साइड में अगर गिर जाते मम्मी धाड़ आ रहे मम्मी। आप लोग मुंबई से हैं, बाकी की जो मम्मी आई हैं बाहर से, आपको क्या लगता है आपको मुंबई का होने के या मुंबई से होने से आपको कोई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्पेशल एडवांटेज। यहाँ इस स्टेज पे जो दिल से और सही नाचेगा वही आगे जाएगा। It doesn't matter whether that person is from Mumbai or Jhumri Talaiya। और बेटा आपको कैसा लग रहा है फाइनली आप आ गए स्टेज पे बूगी वूगी के? I'm very excited। वहाँ पर बैठी हुई थी तो मैं कांप रही थी, क्या होगा? कैसे कांप रही थी? मैं सोच रही थी अगर मम्मी मेरी वजह से